नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे CGBSE का 12वीं क्लास का इंग्लिश का पेपर है कि 4 मार्च को एग्जाम होने वाले, 3 घंटे का एग्जाम होगा और 80 नंबर पूर्णांक रहने वाला है। ऐसा पेपर आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाले हैं। नया पैटर्न का जो पेपर है वो जारी हो चुका है, तो ये बात करते हैं आंसर से ही, तो आपको बताने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्यों क्या पूछा है, पैसेज देगा और पैसेज में जो भी क्वेश्चन आंसर है यहाँ पे चार्ट करके करने होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इस पैसेज को आप देख लीजिए और इसके जो भी छोटे छोटे यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं इन सभी क्वेश्चनों के आंसर के लिए आपको बताने वाला हूँ। तो ये पूरा पैसेज आप पढ़ लीजिए पूरा और इसके बाद हम बात करते हैं पहला क्वेश्चन। पहले जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसके अंदर डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दो नंबर क्वेश्चन में ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर रहेगा। उसके बाद में आता है तीन नंबर में ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और उसके बाद में बात करते हैं फोर नंबर में बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट आता है 5 नंबर क्वेश्चन, तो 5 नंबर में सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन, ये आपके थोड़े एक एक नंबर वाले क्वेश्चन हैं और ये भी आपको पैसेज में ही छांट करके करने हैं। तो 6 से लेके जो 10 और 11 तक, 11 12 जो भी है ना यहाँ पे क्वेश्चन सारे के सारे, इन सभी क्वेश्चनों के आंसर की आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं स्क्रीन पे ही 11 नंबर तक, 6 से लेके 11 नंबर तक। अब बात करते हैं आंसर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये है आपके सामने 6 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये रही, 6 नंबर का ये रहा, ये 7 नंबर का आंसर का है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। उसके बाद में है 8 नंबर का, 8 नंबर का आंसर यहाँ तक ओप तक है। और उसके बाद में बात करते हैं 9 नंबर और 10 नंबर, 9, 10, 11, 12 तक आंसर की कंप्लीट हो चुकी है, 6 से लेके 12 तक। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है, उसका भी आंसर क्या हो चुका है। उसके बाद में आता है नोट में कुछ यहाँ पे पैसेज दिए गए हैं, पैसेज में से क्वेश्चन आंसर के आंसर छांट के करने हैं, तो इस पैसेज को देख लीजिए। उसके बाद में 13 नंबर जो क्वेश्चन है उसे 4 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है वो भी आपका 4 नंबर का है, 80 वर्ड में आपको क्या लिखना होगा, राइट लिखना होगा एक। और उसके बाद में सेक्शन बी की बात करते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन और यहाँ पे अथवा में दे रखा है, दोनों में से एक क्वेश्चन करेंगे भी 4 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद में आता है 16 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी 6 नंबर का है, लेटर लिखना होगा और उसके बाद में इसमें अथवा में भी देखने के लिए मिल रहा है, दोनों में से एक क्वेश्चन करना होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, ये 10 नंबर का है, इसमें 250 वर्ड में आपको एक पे आपको टॉपिक यानी आर्टिकल लिखना होगा, पावर ऑफ प्रेस के अंदर लिख सकते हैं, योगा ऑफ बेटर लिविंग पॉल्यूशन के प्रॉब्लम के बारे में लिख सकते हैं, प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम के बारे में। 18 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी हम बात करते हैं, तो एक एक नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए, तो 18 के अंदर जो भी पार्ट दिए गए, एक से लेके कम से कम 12 पार्ट यहाँ पे सभी क्वेश्चनों की आंसर की है, एक साथ ही बताने वाला हूँ। क्वेश्चन आप देख लीजिए पहले और इसके बाद हम चर्चा करते हैं सभी क्वेश्चनों की आंसर के बारे में। तो ये आपके सामने स्क्रीन पे हैं, लगभग यहाँ पे 18 नंबर में 12 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये 12 नंबर हो चुके हैं 18 के 12 तक। अब बात करते हैं इन क्वेश्चनों के आंसर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये है 18 नंबर का जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर। उसके बाद में आता है 18 नंबर का दूसरा क्वेश्चन, 3 नंबर का आंसर हो चुका है, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है। तो 18 नंबर के 5 है, ये नोट कर लीजिए फटाफट से, 18 के 1 से लेके 5 तक। बात करते हैं 6 से लेके 12 तक के, ये है दोस्तों 6 से लेके 12 तक, इसका आंसर ये रहा 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 12वें क्वेश्चन तक आंसर हो चुका है, ये 18 नंबर के हैं सारे सारे आंसर। अब बात करते हैं आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे सेक्शन सी के बारे में, तो यहाँ पे भी आपको कुछ यहाँ पे रीड द फॉलोइंग पैसेज दिया गया है और पैसेज में ही क्वेश्चनों के आंसर छाटने हैं। तो 19 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी बात करें तो उसमें 19 में बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, लखनऊ उसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है 20 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इनकी फार्मर। 21 नंबर जो क्वेश्चन आता है उसमें डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, चंपारण हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर में भी क्या होगा, बी ऑप्शन ही राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट आता है 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर जो क्वेश्चन है उसके अंदर दोस्तों यहाँ पे कुछ पोइम दे रखी है और पोइम में से आंसर क्वेश्चन छाटने हैं 23 के अंदर, तो पहले आप इस पोइम को देख लीजिए और इसमें जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं सभी क्वेश्चन के आंसर के बारे में देखते हैं, 23 में आएगा सी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, तो 24 नंबर में डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 26 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं जो 27 नंबर जो क्वेश्चन है, ये आपको 2 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं और 2 क्वेश्चन 3-3 नंबर के, इनकी 6 नंबर के हैं, 27, 28, 29 तक।
उसके बाद में 30 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपको 80 वर्ड में आंसर लिखना होगा, 6 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर अथवा में दे रखा है। और उसके बाद में 31 और 32 जो क्वेश्चन है दो दो नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद में आता है अथवा के अंदर ही है, 33 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें भी अथवा में दे रखा है, तो ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है। दोस्तों पेपर आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, अच्छी तरह से रट लेना पेपर को। और प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।